सो गाइस, ये वाला फ़ोन आप लोगों ने मेरे पास काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। बेसिकली ये है सैमसंग गैलेक्सी S8, जिसको मैं पिछले 2.5 साल से यूज़ कर रहा था। तो शायद ये चला भी जाए मेरा, तो मैं सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू बनाया जाए कि ये फ़ोन क्या 2023 में वर्थ इट है या नहीं है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उस फ़ोन के साथ कि जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे कैसा एक्सपीरियंस दिया है इस फ़ोन के अपने। तो अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ उमर सबासी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह है मेरा सैमसंग गैलेक्सी S8, जो किसी टाइम पे मेरी प्राइमरी डिवाइस हुआ करती थी, बट अब ये मेरी सेकेंडरी डिवाइस बन चुकी है, क्योंकि ये मेरे से टूट गया था गिर के। जैसे कि आप स्केलसिटी देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा फोकस कर ले तो स्केलसिटी टूट गई थी। बाल चलने में अभी भी ये एक छीते से काम नहीं है, ठीक है भाई। जो मेरा अभी नया, मतलब जो दूसरा फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, उससे भी अच्छा परफॉर्म करता है ये वाला फ़ोन। सो आज की वीडियो में हम लोग इसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि क्या ये फ़ोन आप लोगों के लिए 2023 में वर्थ बाइंग होगा या फिर नहीं होगा। उससे पहले भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हमने काफ़ी टाइम बाद कोई लॉन्ग लेंथ वीडियोज अपलोड किए हैं, एंड मुझे मोटिवेशन दो यार कंसिस्टेंट रहने की, ताकि मैं भी कंसिस्टेंट रह सकूँ। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस फ़ोन की जो मेन USB है, यानी कि जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो मुझे लगता है मेरा मेरे लिए बहुत अमेजिंग चीज़ है, वो है इसका ये डिस्प्ले। सो बेसिकली इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है एक AMOLED डिस्प्ले। अभी 5.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, उसके साथ साथ ये Quad HD+ के रेजोल्यूशन को लेकर आता है। डू यू नो वट दिस थिंग रियली मीन्स भाईजान? Quad HD+ इस वक्त का सबसे टॉप रेजोल्यूशन समझे जाने वाला डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले आपको आज के फ्लैगशिप में देखने को मिलेगा, ये आपको उस टाइम पे आज से 5 साल पहले एज अ फ्लैगशिप फोन देखने को मिलता है, मतलब तकरीबन 6 साल पहले, और अभी भी भाई इसका जो डिस्प्ले वो मेरे हिसाब से टॉप नॉच है। अब इसके डिस्प्ले में एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छी है और बेहतरीन है, वो है इसका ये सेंसर जो आपको देखने को मिलता है, आईरिस सेंसर। आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा साथ 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड आईरिस सेंसर देखने को मिलता है। अब ये जो सेंसर था ओवरऑल, बेसिकली ये आया था S8 और S9 के अंदर, मतलब S8, S8+, S9, S9+ इनमें आया था। और भाई ये आपका फेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली रीड करता है, फेस अनलॉक के थ्रू उसको मतलब ओपन कर देता है। बेसिकली इसमें फेस अनलॉक भी है और आईरिस सेंसर भी है, बट मैं पर्सनली आईरिस सेंसर को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आईरिस सेंसर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही अमेजिंग भी आपका फोन जो है वो अनलॉक। अब इसके बैक साइड के कैमरा की बात करें, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको इस फोन का कैमरा टेस्ट करके दिखा देता हूँ, कोई ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कैमरा कैसे रिजल्ट आ रहा है मेरा, और फ्रंट से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। बट जो सीन है, सिनेरियो है, वो ये कि इसके बैक कैमरा में आपको, अगर आपको गौर से दिखा सकूँ, तो एक लाइन है। अब ये कैसे आई, इसके पीछे की पूरी स्टोरी है। तो बेसिकली मैंने अपने एक रिपेयरिंग वाले से, अपने एक जानने वाले दोस्त रिपेयरिंग वाले को ये फ़ोन दिया ठीक करने के लिए। उसने मुझसे पैसे तो नहीं लिए, लेकिन जो काम उसने किया था वो भी थका हुआ था। अब मेरा ये फ़ोन लाइक ट्राईपॉड पे लगा हुआ था, ठीक है, ये ट्राईपॉड पे लगा हुआ है, एंड ये बिल्कुल इस तरह से एक्ट करता है। इसका स्क्रीन डैमेज हो जाती है और बैक कैमरा वर्क नहीं करता और फ्रंट भी वर्क नहीं करता। सो दैट वाज अ टाइम आई वाज प्रीटी डिसअपॉइंटेड। और फिर ये फ़ोन जो है ना वो पैच में भी प्रॉब्लम करता है। अब ये पैच में भी आता था, इसमें सिम 2 नंबर तरीके से अप्रूव की जाती थी। सो अभी भी ये पैच्ड नहीं है, ये नॉन PTA फ़ोन है। मैं इसमें से इसको यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया चलाने के लिए या अपने मज़ीद काम करने के लिए, तो बहुत हेल्पफुल है। सेकंड फ़ोन भाई मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं इसका कवर मोस्टली प्रॉब्ली उतार लेता हूँ। सो ये देख सकते हैं आप, ये बैक से ग्लॉस बॉडी में आता है, ठीक है, ग्लॉस कह रहा हूँ, ग्लास बॉडी में आता है। तो इसकी जो फील है ओवरऑल, साइड्स बेसिकली इसमें मेटालिक साइड्स हैं, एंड देखिए जो ओवरऑल फील है भाई, इट्स इज़ अमेजिंग, गॉर्जियस फीलिंग है। मैंने कल अपने दोस्त का J7 उठाया, उठाने के बाद मुझे कोई अच्छी फील नहीं आई, बट इस फोन को जब आप उठाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन फील आएगी। अब मैं आपको बता दूँगा, यहाँ पे आपको एक बिक्सबी बटन भी देखने को मिलता है, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, एक्सीडेंटली मेरे से दबता है। और इसके जो बिक्सबी बटन है वो मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं गूगल असिस्टेंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब इस फ़ोन में एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ आई थी, जो है इसके ये फिंगरप्रिंट सेंसर है तो बहुत तेज़, लेकिन इसकी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। लेकिन अगर आप मेरी तरह फ़ोन यूज़ करते हैं काफ़ी ऐसा, तो आपको आदत पड़ जाएगी इस फिंगरप्रिंट की, विच इज़ द केस फॉर मी। चार्जिंग की बात करें तो 15 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है आप लोगों को यहाँ पे, 15 वॉट में, यानी तकरीबन 1 मिनट 1 घंटा 45 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से 20 था 20। अब बात करते हैं इस फ़ोन को कि ये फ़ोन आपको पाकिस्तान में कैसे मिलेगा। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ करना भूल गया, इसमें कर्व डिस्प्ले आता है। अब कर्व डिस्प्ले की इतनी ज़्यादा वैल्यू है मेरे नज़दीक, क्योंकि ये आज किसी भी फ़ोन में अवेलेबल नहीं है।
ये डिस्प्ले मुझे अभी भी लाइक अभी भी मैं कोई फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसमें कर्व डिस्प्ले हो, लेकिन नहीं है, सिर्फ आपको पुराने ही फोन में कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि ये फ़ोन आप लोगों को मार्केट से कितने का मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप फुल फ्लैश पीटी अप्रूव की तरफ जाओ, 10x10 कंडीशन की तरफ जाओ, तो 25,000 तक आप अपना बजट रखो। लेकिन अगर आपको डॉट में भी चलेगा, पैच में भी चलेगा, तो 17-18 हज़ार रुपये में ये फ़ोन ईजिली मार्केट में मिल जाता है। मेरे हिसाब से इज वन द बेस्ट डील्स यू कैन गेट राइट नाउ। और शायद मैं ये फ़ोन अपने दोस्त को दे दूँ, बिकॉज मैं कोई दूसरा फ़ोन लेने लगा हूँ। तो अगर मैंने ये फ़ोन दोस्त को दे दिया, सो अलविदा हो जाएगा मेरा ये फ़ोन मेरे से, बिकॉज मुझे ये फ़ोन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वीडियो वो कैसी लगी ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माई चैनल। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।